गायों पर हो रहे अत्याचार को लेकर विवाद में रही दुधारू पशु सुधार सभा में अब भाजपा नेता रविंद्र परिहार को चेयरमैनी सौंपी गई है। इससे पहले इस सभा पर कांग्रेस के नेता चेयरमैन मोहन मेहता विराजमान थे। आपको बता दें कि दुधारू पशु सुधार सभा मरियोग में वेटनरी फार्मिस्ट की कक्षाएं भी चलाई जाती हैं, साथ ही गौशाला भी चल रही है, लेकिन इस गौशाला में गौओं के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार हो रहा था और उन्हें तिल तिल कर मरने पर मजबूर किया जा रहा था, जिस पर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए शिक्षा संस्थान की मान्यता तो रद्द कर दी, साथ ही दोषियों के खिलाफ FIR भी दर्ज करने की बात कही है। इसके चलते इस संस्था का चेयरमैन बदल दिया गया है। नवनियुक्त चेयरमैन रविंद्र परिहार ने उन्हें दुधारू पशु सुधार सभा का चेयरमैन बनाने के लिए धन्यवाद किया, साथ ही आश्वासन भी दिया कि प्रदेश सरकार ने जो विश्वास उन पर जताया है वे उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सभा का लाभ आम जनता तक पहुंचाए इस दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्था गायों के अत्याचार के खिलाफ है, लेकिन अब व्यवस्था को बदला जाएगा और गायों को सही स्थान दिया जाएगा। सोलन जो दुधारू सुधार सभा है उसका चेयरमैन का पद पे मुझे आसीन किया है। मैं इसके लिए पूरे संगठन और सरकार का, माननीय जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो भी चीज़ संज्ञान में आएगी उसके ऊपर निर्णय लेंगे और आने वाले दिनों में कोई इस किस्म की घटना ना हो सतर्क रहेंगे और केवल और केवल गौ माता का जिस तरीके से एक अच्छा स्थान है उसके साथ कोई इस किस्म की जाति भविष्य में ना हो हम प्रयासरत रहेंगे।